उन डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इलाज के लिए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बाहर मुल्क में जाना चाहिए। बदतमीज लोग, छोटे लोग, सी कैटेगरी के बी क्लास लोग। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इलाज के लिए बुक एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंट्री की इजाजत के लिए सिंध प्रांत की सरकार ने इमरान खान सरकार से गुजारिश की है। सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट ने सोमवार को पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय को इस संबंध में चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में साफ किया गया है कि एयर एम्बुलेंस का खर्चा सिंध सरकार उठाएगी। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि एयर स्पेस और एविएशन सेंट्रल सरकार के तहत आते हैं। सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि फेडरल सरकार को एयर एम्बुलेंस से जुड़े सभी मुद्दे जल्दी से जल्दी सुलझा लेने चाहिए। जियो टीवी की सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी को अभी तक एयर एम्बुलेंस की पाकिस्तान में एंट्री से जुड़ी कोई चिट्ठी सिंध सरकार से नहीं मिली है। बता दें कि पाकिस्तान के सेंटर में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है, वहीं उनकी विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार सिंध में है। इस बीच उमर शरीफ के फैंस की बेचैनी बढ़ रही है कि कहीं उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजने में देर ना हो जाए। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इलाज के लिए पाकिस्तान के सिंध सूबे की सरकार ने 4 करोड़ रुपए, भारतीय मुद्रा में करीब 1.75 करोड़ रुपए रिलीज करने के आदेश जारी किए हैं। उमर शरीफ इन दिनों कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें अमेरिका का वीजा मिल चुका है और डॉक्टरों का कहना है कि उमर शरीफ को इलाज के लिए विदेश अब ले जाया जा सकता है। उमर शरीफ के इलाज के लिए जारी रकम में एयर एम्बुलेंस का खर्चा भी शामिल है। उमर शरीफ को इलाज के लिए जल्दी से जल्दी विदेश भेजे जाना जरूरी है। पाकिस्तान में उनकी बीमारी के इलाज की सुविधा नहीं है। 17 सितंबर को सिंध के स्वास्थ्य विभाग ने फेडरल सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट से उमर शरीफ के इलाज के लिए $1,69,800 का फॉरेन एक्सचेंज बजट जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इस बीच उमर शरीफ के परिवार ने उनके लिए दुआ करने वाले प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन साथ ही सीनियर आर्टिस्ट की निजता का सम्मान करने का आग्रह भी किया। उमर शरीफ की पत्नी जरीन उमर ने यह भी कहा कि कुछ लाइक्स के लिए ऐसा कुछ शेयर ना किया जाए जिसकी तस्दीक ना हुई हो। उधर उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर ने सोमवार को कहा कि उनके पिता की हालत ठीक है। जवाद ने यह भी कहा कि एयर एम्बुलेंस को आने में 3-4 दिन और लग सकते हैं। अमेरिका में डॉक्टरों की टीम तैयार है। जवाद ने उमर शरीफ के प्रशंसकों से उनकी सेहत के लिए दुआ करने की अपील की। अबे मॉडर्न इलाका छेड़ दिया, सॉरी कह दिया, ओके भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।